hello sound check. Good morning students, I am live. Can you see me and hear me? hello प्रसाद सगळं गेलं, व्हिडिओ गेला, कॅमेरा गेला. ओके ग्रेट. हे जाणार नाही ना परत. Okay, perfect. Let's start. Students, I was not well. Rather, I'm still not feeling well. But so students, I was not actually. Prasad, hand. Okay. तो स्टूडेंट्स क्या है कि मेरी तबीयत जो है आई वॉज नॉट फीलिंग वेल. वीडियो हैंग हो गया है, वी जस्ट चेंजिंग इट, डोंट वरी अबाउट इट. सो आई वॉज नॉट फीलिंग वेल बट नाउ आई एम ओके, सो आई विल कंटिन्यू विद द सैलरी पार्ट. Okay. Check. Now check students. Yeah. So here I am live. Let's continue with the salary revision of perquisites. Allowances का part हमारा हो गया. अब हम start करने वाले हैं perquisites वाला part. Now perquisite का मतलब क्या होता है बेटा? Perquisite का मतलब होता है you have to keep writing. आपको पता है आप notes किए जा रहे हो, मेरे साथ notes writing चल रहा है आपका, तो मैं चाहती हूँ कि आप उसी तरीके से आप लिखते जाइए. तो बेटा perquisites का सबसे पहले तो मतलब क्या होता है? लेट्स स्टार्ट राइटिंग. एक एक करके तुम मुझे परक्विजिट्स की लिस्ट बताते जाना, तो मैं लिखती जाऊंगी. सो लेट्स गेट गोइंग. जितनी देर में आज ले पाऊंगी 1:30 तक तो ले ही लूंगी मैं. तो फोकस करते हो और लिखते भी है. सो बेटा परक्विजिट्स, परक्विजिट्स का मतलब क्या होता है? परक्विजिट इज अ बेनिफिट, तो इट्स अ बेनिफिट और इट इज अ फैसिलिटी. तो बेटा ये बेनिफिट और फैसिलिटी कहाँ से आ रहा है? दिस बेनिफिट और फैसिलिटी कम्स फ्रॉम योर एम्प्लॉयर. अब यहाँ पे एक एक्सीडेंट स्पॉट ये होता है कि बच्चा कंफ्यूज होता है बिटवीन एन अलाउंस एंड अ परक्विजिट. सो यू डोंट हैव टू डू दैट. तो नेवर गेट कंफ्यूज बिटवीन एन अलाउंस एंड अ परक्विजिट. तो परक्विजिट का मतलब है फैसिलिटी. तो जैसे मैंने उस दिन आपको एग्जाम्पल दिया था कि अगर आपको लंच अलाउंस मिला तो इट्स एन अलाउंस एंड अलाउंस के स्टेशन पर गाड़ी उतरनी चाहिए. लेकिन आपको लंच का फैसिलिटी मिला तो याद रखिए इट्स अ फैसिलिटी, तो आपको फैसिलिटी माने परक्विजिट के स्टेशन पे गाड़ी उतरनी चाहिए. तो इसके लिए क्या होता है, आपको परक्विजिट्स के रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे. अब जो परक्विजिट्स होते हैं, इट्स अ बेनिफिट ऑफ फैसिलिटी फ्रॉम एम्प्लॉयर. परक्विजिट्स होते हैं 3 प्रकार के. परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज. सो परक्विजिट्स टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज. Perquisites taxable in the hands of only specified employees. ये जो in the hands of specified employee है ना, ये पता नहीं कभी भी जा सकता है. ये actually इतना logical है ही नहीं, क्योंकि hardly anybody मतलब specified employee की limit ही बहुत कम है, you know. Yeah. So let us understand. Please keep writing with me. Salary is very important considering the exam viewpoint. करेक्ट। तो सैलरी ये काफी इंपॉर्टेंट है, अगर हम एग्जाम व्यू पॉइंट से कंसिडर करें तो इट्स अ क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। तो पर्क्विज इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज, और फिर आता है पर्क्विज इज एग्जम्प्ट। आई ट्राई एंड फिनिश सैलरी आज जितना हो सकता है, नहीं तो कल फिनिश करती हूँ। एक्चुअली आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक क्योंकि मेरी तबीयत अभी तक फुल्ली ठीक नहीं है, बट फिर भी मैं ट्राई करूँगी कि आपके साथ नॉन स्टॉप अभी सैलरी ले लूँ। तो इफ़ आई एम एबल टू फिनिश सैलरी विथ यू ऑल देन आई कैन गिव यू बीच में डिडक्शंस, एंड देन मैं इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा कम करा के आई विल स्टार्ट विथ पेपर सॉल्विंग, ठीक है ना। तो ये है। अब देखो पर्क्विजिट एग्जाम फ्रॉम टैक्स माने कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे लेकिन फिर भी उसको हम टैक्सेबल नहीं करेंगे। सो सम पर्क्विजिट्स आर गोइंग टू बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। नाउ यहाँ पे फोकस करेंगे। तो पर्क्विजिट्स, दिस इज अ रिवीजन गोइंग ऑन, दिस इज अ रिवीजन गोइंग ऑन फॉर May 23। Of course these lectures will also be applicable for November 23 रिवीजन है। बट ना कौन से पर्क्विजिट्स आर टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल एम्प्लॉइज। सबसे पहले होता है प्रोविडेंट फंड का, पता है पीएफ में। अगर मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ पीएफ के बारे में, आप प्लीज ये समझ लो कि ये जो पीएफ का अकाउंट होता है, ओके, दिस इज अ प्रोविडेंट फंड अकाउंट, दिस इज इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉई। ये किसके नाम पे होता है? इन द नेम ऑफ एम्प्लॉई के नाम पे होता है। सो इट इज इन द नेम ऑफ द एम्प्लॉई। इस फंड में पैसे कौन डालता है? करेक्ट, देयर इज मनी इज पुट बाय द एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई। सो मनी इज पुट बाय एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉई। We are understanding this salary का chapter बेटा, मतलब हम समझ रहे हैं किसके व्यू पॉइंट से? फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ द एम्प्लॉई। तो हम एम्प्लॉई के व्यू पॉइंट से समझ रहे हैं। बैकग्राउंड नॉइज है। ठीक है, मैं तब तक बोलती हूँ, प्रसाद करके लेगा। अब एम्प्लॉई पैसे डाल रहा है और एम्प्लॉयर पैसे डाल रहा है। Now let us understand. Here, whatever employer puts, it's a benefit. इस पीएफ पे आपको क्या मिलता है? इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है। इस पीएफ पे क्या क्रेडिट होता है? इंटरेस्ट भी क्रेडिट होता है। So interest is credited. तो इंटरेस्ट क्या होगा? क्रेडिट किया जाएगा। बैकग्राउंड साउंड इज कमिंग, ये तो इमला नजर है। आवाज कम करो। इंटरेस्ट देखो अभी क्रेडिटेड है, ये एक बेनिफिट होता है, लिख के लेना, ये बेनिफिट है। एम्प्लॉयर का कंट्री इज अ बेनिफिट, ये ओन सेविंग्स है। Let's check. अब देखना पर्क्विजिट जो है एम्प्लॉयर का जो कंट्री है ये बेनिफिट है, और एम्प्लॉई जो अब कंट्रीब्यूट कर रहा है वो खुद के पैसे, एम्प्लॉई जो कंट्रीब्यूट कर रहा है इट इज ओन मनी एंड इट इज ओन सेविंग्स। तो ओन सेविंग्स के लिए हम एटीसी के एंगल से सोचते हैं। कभी कभी सेविंग्स पे आपको क्या मिलता है? एटीसी मिलता है। और ये जो है एम्प्लॉयर का कंट्री पर्क्विजिट है, इंटरेस्ट क्रेडिट होना भी पर्क्विजिट है, और आखिरी में होता है अक्यूमुलेटेड बैलेंस। तो बेटा ये अक्यूमुलेटेड बैलेंस के पैसे कौन लेके जाएगा? अक्यूमुलेटेड बैलेंस के पैसे भी एम्प्लॉई विल टेक द मनी। सो इसमें भी क्या होगा? इसकी टैक्सेबिलिटी सीखनी है। तो टैक्सेबिलिटी सीखते वक्त चार एंगल से सीखनी है, चार पॉइंट से। एक, दूसरा एम्प्लॉई कंट्री, तीसरा इंटरेस्ट क्रेडिटेड एंड फोर्थ इज अक्यूमुलेटेड मनी. So these are the four things and four angles in which you have to think. Okay, so these are the four angles in which you have to think. Yeah. So please keep writing. Now what about the employer's country? बोलोगे employer's country कहाँ तक exempt होता है? Yes. So write down employer's country is exempt. Employer's country to RPF. Of course, मैम यहाँ पे तीन type के provident fund होते हैं. एक है RPF, SPF एंड URPF. ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए होता है. ये कॉमन है, सबसे जनरल यही होता है. दिस इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड. एंड URPF अगर अनरिकॉग्नाइज्ड होता है, अगर आप कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करते तो वो बन जाता है अनरिकॉग्नाइज्ड. अब सुनना, गवर्नमेंट वाला सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं. तो गवर्नमेंट वाला इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल, ये सबसे ज़्यादा फायदेमंद होता है. अब क्या है यहाँ पे SPF, RPF, URPF. अब SPF में क्या है यहाँ पे समझते हैं. एम्प्लॉयर कंट्री, PPF लेते हैं, अलग से ही है, बट PPF का यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं, वो जनरल दिया हुआ है. Now let's understand. What about employer's country to SPF? Employer's country to SPF is exempt. Employer's country to RPF is exempt up to 12% of salary. And do you know meaning of salary? The meaning of salary is same like HRA. So it's same like HRA, correct. Now unrecognized RPF, it is exempt. Employee country is own money. Saving के angle से सोचने से own money है ये. आपको प्लीज समझना है कि आप perquisite की बात कर रहे हैं या आप benefit की बात कर रहे हैं, मतलब perquisite, या आप खुद के पैसे की बात कर रहे हैं मतलब saving. तो employee का country SPF में है तो ATC आएगा, RPF में है तो ATC आएगा, URPF में है तो no ATC. चलो आगे. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू SPF इज एग्जम्प्ट. इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू RPF इज एग्जम्प्ट अप टू 9.5% पर एनम. एंड URPF में इट इज एग्जम्प्ट. मैम तो अब ऐसे ही दिख रहा है कि URPF तो बेस्ट है, ऐसा नहीं है. URPF में अक्यूमुलेटेड बैलेंस विल बी टैक्सेबल. एंड ICAI लव्स आस्किंग दिस क्वेश्चन. दे लव आस्किंग अक्यूमुलेटेड बैलेंस ऑफ URPF. Come on, everybody has to quickly be with me and quickly answer all the questions. ठीक है. Accumulated balance अगर SPF से लोगे तो exempt होगा, ये बहुत important है. RPF से लोगे तो it will be exempt provided you have rendered 5 years of continuous service. Health की वजह से अगर आप ये 5 years continuous नहीं दे पाए तो ठीक है, वरना तो 5 years continuous service लगता ही है. अभी आगे देखना URPF. URPF is going to be taxable. लेकिन बॉस what is going to be taxable, ये भी ICAI को पूछना बहुत पसंद है. ICAI को ये भी बहुत पसंद है. पता है ये accumulated balance में पैसे क्या होते हैं? Accumulated जो balance होता है ना बेटा, इसमें दो चीज़ें होती है, देखना. यहाँ एम्प्लॉई का पैसा होता है प्लस एम्प्लॉयर का पैसा होता है. अब एम्प्लॉई का पैसा प्लस एम्प्लॉयर का पैसा प्लस उसका इंटरेस्ट, प्लस उसका इंटरेस्ट, उस कंपोनेंट के ऊपर का इंटरेस्ट. तो देयर इज एम्प्लॉई कंट्री, देयर इज एम्प्लॉयर कंट्री. सो देयर इज एम्प्लॉई कंट्री, देयर इज एम्प्लॉयर कंट्री एंड देयर इज इंटरेस्ट. अब क्या होगा मैम, जो एम्प्लॉई कंट्री है वो तो इनकम है ही नहीं. इट्स नॉट इनकम, दिस इज नॉट इनकम. Yeah, so please note it down with me. You're going to send me charts. I want this to be completed. Come on everybody. And interest जो है ये मेरे ही पैसे का interest आ रहा है, और interest income कहाँ taxable होता है? IOS में. So interest income always gets taxable under which head बेटा? It gets taxable under IOS. And employer country plus उसका interest दोनों employer employee की relationship की वजह से मिल रहे हैं. And therefore this is taxable under salary. And therefore this is taxable under salary. तो boss ये कहाँ taxable होगा? This will be taxable under salary. Correct? Yes. So please note this down quickly. आपका note करके हो गया? Give me a thumbs up. डन है, ओके यस। तो ये हो गया पीएफ कंट्रीब्यूशन, आरपीएफ कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ। तो अगर हम पीएफ की बात करें, अब इसके बाद मैं आपको तीन चीज़ें बताऊंगी जो आईसीएआई को बहुत पसंद है पूछना। सैलरी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इंटर के एग्जाम व्यू पॉइंट से। तो अब समझते हैं आगे की बात। देखो क्या होता है, एम्प्लॉयर जो है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एम्प्लॉयर जो है और एम्प्लॉय को तीन चीज़ें कर सकता है असेट से रिलेटेड। देखो वो असेट्स गिफ्ट कर सकता है, he can give for use or he can sell। प्लीज़ मेरे साथ चार्ट बनाते जाइए। आई वॉन्ट अ वेरी सुपर डुपर इंटरक्टिव सेशन। वी आर टेकिंग दीज लेक्चर्स ओनली फॉर यू गाइज सो दैट यू कैन रिवाइज विथ अस प्लीज़। सो एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय असेट्स जो होते हैं उनके, एम्प्लॉयर कुछ असेट एम्प्लॉय को या तो गिफ्ट कर सकता है या तो उसको यूज़ करने के लिए दे सकता है, बोलेगा यूज़ कर ले बेटा और वापस दे देना, या वो बोलेगा ले ले बेच ही देता है। सो ही कैन सेल, ही कैन ट्रांसफर द ओनरशिप। नाउ व्हेन यू गिफ्ट इट, ओके, सो दिस डजंट गो अंडर आईओएस, इसका आईओएस का सवाल ही नहीं आता। आई नो जनरली गिफ्ट कम्स अंडर आईओएस, बट यहाँ पे बेटा क्योंकि एम्प्लॉई एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है, इट विल कम अंडर सैलरी। तो सैलरी के प्रोविजंस आपको अप्लाई करने पड़ेंगे यहाँ पे। सैलरी के हिसाब से ये एक परक्विजिट माना जाएगा विच इज़ एग्जम्प्ट अप टू 5000। यहाँ पे आईसीएआई दो प्रकार के व्यू पॉइंट्स लेती है, दोनों व्यू पॉइंट्स को सही मार्क्स देती है, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। दो व्यू पॉइंट्स आईसीएआई कंसिडर करेगी। एंड व्हाट आर दीज व्यू पॉइंट्स? सी हियर दे विल से, एग्जांपल आप ले लो कि आपने रिस्ट वॉच गिफ्ट किया, रिस्ट वॉच आपने गिफ्ट किया 18,000 का, तो टैक्सेबल क्या करेंगे 18 माइनस 5, सो दे विल टैक्स 13,000। दिस इज वन व्यू, व्यू वन। और दूसरा व्यू होगा कि रिस्ट वॉच होगा 18,000, यस। तो ये होगा रिस्ट वॉच 18,000। वंस इट क्रॉसेस 5,000 देन एंटायर 18,000 विल बिकम टैक्सेबल। इंस्टीट्यूट ये व्यू भी लेती है, लेकिन विच इज़ द करेक्ट व्यू? आई कैन आस्क यू टू फॉलो दिस ऑल्सो। वाई? बिकॉज इस व्यू के लिए एक नोटिफिकेशन है, लेकिन एग्जाम व्यू पॉइंट के लिए दोनों नोटिफिकेशन, दोनों व्यू पॉइंट को सही मार्क्स दिए जाते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। हाँ हाँ, आप जो व्यू लेंगे आपको नोट में एक लिख के देना पड़ेगा। सो रिस्ट वॉच 18,000 माइनस 5,000 का एग्जाम्शन, एक्सेस अमाउंट इज टैक्सेबल। फॉलो दिस, बोथ व्यूज आर करेक्ट इन द एग्जाम। आईसीआई भी मॉड्यूल में दोनों व्यूज देती है, दोनों करेक्ट है। हाँ, यहाँ पे याद रखना 5,000 एग्जाम्शन इज नॉट देयर इफ द गिफ्ट इज इन कैश और चेक। 5,000 एग्जाम्शन नॉट देयर इफ गिफ्ट इज इन कैश और चेक, करेक्ट। तो माने मैंने 18,000 आपको चेक दे दिया, तो बॉस व्हाट विल बी टैक्सेबल? 18,000 विल बी टैक्सेबल। एंड 5,000 का एग्जम्पशन इज नॉट पर गिफ्ट, 5,000 का एग्जम्पशन इज नॉट पर गिफ्ट, 5,000 का एग्जम्पशन इज पर एनम, पर एनम। एंड नॉट एवरी टाइम यू गेट अ गिफ्ट। ये परक्विजिट आईसीआई को बहुत पसंद है, पहले दो वाले इंटरेस्ट वाला और ये तीन लर्न करते वक्त इसी स्टाइल से लर्न करो तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। डन है। गिव फॉर यूज, व्हाट हैपेंस व्हेन यू गिव फॉर यूज? व्हेन यू गिव फॉर यूज क्या होगा? आप यूज के लिए दोगे तो परक्विजिट इज इक्वल टू 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। यहाँ पे आपको रॉन्ग नंबर क्या हो सकता है पता है? रॉन्ग नंबर मतलब आपको कंफ्यूज करने के लिए, रॉन्ग नंबर इज WDV। WDV रॉन्ग नंबर है, पर्पसली आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए WDV देंगे बॉस। यू डोंट नीड इट, व्हाट यू नीड इज द ओरिजिनल कॉस्ट। सो परक्विजिट इज इक्वल टू 10% पर एनम ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट। शिवानी तेरी क्वेरी सॉल्व हो गई। एंटायर टैक्सेबल अप टू 5,000, दोनों व्यू दे दिया। एक बार आईसीआई ये भी व्यू लेती है कि एक बार बॉस 5,000 क्रॉस हो गया तो पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरा व्यू वो खुद भी लेते हैं कि 5,000 के ऊपर वाला ही अमाउंट, द एक्सेस अमाउंट वुड बी टैक्सेबल। इनफैक्ट इसको सपोर्ट करने के लिए एक नोटिफिकेशन भी है, सो दैट इज वाई आई रिकमेंड दिस वन। Now, perquisite is equal to 10% per annum of the original cost. What is the wrong number here? They'll give you WDV. यहाँ पे yes, यहाँ पे बहुत ही important एक exception है that use of employer's laptop. Use of employer's laptop and computers is a exam perquisite. लैपटॉप बोला तो कंप्यूटर भी आएगा. इज अ एग्जाम परक्विजिट. और एक बात पर्पसली दिल से कि मैंने ना जो म्यूजिक सिस्टम है या मैंने जो असेट है दूसरा कोई, आई यूज इट नॉट फॉर 12 months बट आई यूज इट फॉर 6 months, आई यूज इट फॉर 7 months. तो बॉस प्लीज कैलकुलेट द परक्विजिट ओनली फॉर 6 months और 7 months. तो आपको जानबूझ के दिया जाएगा. ओरिजिनल कॉस्ट म्यूजिक सिस्टम का 50,000, WDV 35,000, एम्प्लॉय ने यूज किया फॉर 6.5 months. कैलकुलेट परक्विजिट. नोट कर लीजिए प्लीज. कीप नोटिंग विथ मी, कीप नोटिंग विथ मी. मैम एम्प्लॉय का कंट्री और एम्प्लॉयर का कंट्री अलग अलग देंगे ना टैक्सेबिलिटी डिसाइड करने के लिए. यस ओम, दे विल गिव यू. अलग अलग से देंगे बेटा, बिल्कुल अलग से देंगे, बिल्कुल चिंता मत करना. क्वेश्चन में डेटा तो पूरा देना चाहिए ना. इनडायरेक्ट टैक्स आई विल स्टार्ट इन सम डेज. पहले डीटी खत्म करके पेपर सॉल्विंग करके फिर इनडायरेक्ट टैक्स भी स्टार्ट करेंगे. इसका परक्विजिट कितना होगा बोलो? What is wrong number here? WDV is the wrong number. Right number here is the original cost. तो बेटा perquisite क्या आएगा? Perquisite will be 10% of 50,000, but that is for 6.5 divided by 12 months. तो perquisite कितना आएगा? 2708. Yeah. तुषार कैपिटल गेन्स बाद में देखेंगे. अभी सारे टॉपिक्स नहीं हो पाएंगे. कुछ कुछ टॉपिक्स में क्वेश्चंस के साथ कराऊंगी बिकॉज सी सिलेबस बहुत वास्ट है. तो आई हैव टू चूज ऑन सम टॉपिक्स, डू पेपर सॉल्विंग, है ना. एंड वी स्टिल हैव टाइम. कैपिटल गेन्स अगर अब नहीं कवर हुआ तो मैराथन के डे में या वन डे रिविजन के फॉर्म में कैपिटल गेन्स कराऊंगी. कहीं ना कहीं करा दूंगी, आप चिंता मत करना. ये 625 क्यों बोल रहे हैं बच्चे? कोई कोई कुछ बच्चों का 625 आ रहा है, वो अनसेंड कर रहे हैं अभी मैसेजेस. मुझे पता है आपने WDV का निकाला क्या? देख तो जरा 625 कैसे आया. हाँ नहीं, और WDV का निकाला क्या? कोई गलत आंसर कैसे आ रहा है? 625 भी आ रहा है कि कुछ बच्चों का. हाँ सताक्षी, आई गिव, डोंट वरी. तो ये हो गया देखो गिफ्टिंग, फिर हो गया गिव फॉर यूज, एंड अब करेंगे सेल. अब क्या करेंगे बेटा? सेल. सेल में थोड़ा सा इधर शिफ्ट करती हूँ तो अच्छे से लिखने आ जाएगा. गॉट इट. चलो अब सेल की बात करेंगे. अभी सेल में क्या होता है? ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड. तो मैं बेच ही रही हूँ. एम्प्लॉयर इज सेलिंग द असेट टू द एम्प्लॉई. यहाँ पे परक्विजिट के लिए फॉर परक्विजिट यू नो व्हाट यू हैव टू डू. फॉर परक्विजिट यू हैव टू कंपेयर WDV एंड सेल प्राइस. अब मैं फॉर्मूला नहीं दूंगी आपको. क्या होता है ना बेटा, अगर मैंने आपको फॉर्मूला दे दिया ना तो आपका कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जाम में चालू. आपको याद रखना है कि बेटा परक्विजिट का मतलब क्या होता है? परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट. परक्विजिट का मतलब होता है बेनिफिट. कंपेयर WDV एंड सेल प्राइस. और एम्प्लॉय के एंगल से सोचो, उसको बेनिफिट मिला तो परक्विजिट आएगा, उसको बेनिफिट नहीं मिला तो परक्विजिट नहीं आएगा. अब इसका एग्जाम्पल मैं बताती हूँ. जैसे कि हम मान के चले कि अगर आई सोल्ड कंप्यूटर, यहाँ पे एक एक्सीडेंट स्पॉट होता है। बच्चों को लगता है मैम कंप्यूटर एग्जाम परक्विजिट है ना, दैट्स अ रॉन्ग वे ऑफ लर्निंग। येस करेक्ट, व्हाट यू सेइंग इज यूज ऑफ कंप्यूटर इज एग्जाम परक्विजिट। ये ऐसे नहीं करने का कंप्यूटर एग्जाम, ओ माय गॉड दिस इज नॉट डन, यू आर डूइंग सीए एग्जाम, दिस इज अ प्रोफेशनल एग्जाम। ऐसे आप नहीं कर सकते कंप्यूटर एग्जाम। ये क्या है, यूज ऑफ कंप्यूटर इज एग्जाम्प्ट। सेल ऑफ कंप्यूटर तो आने ही वाला है, अब देखते हैं इसमें क्या होगा। ओ 6.5 मेरा वाज लुकिंग लाइक 1.5, अच्छा सॉरी। हाँ तो ही सोल्ड द कंप्यूटर, लेट्स से द कंप्यूटर का WDV इज 32,000 and I sold the computer for 40,000. Oh, I sold it for let's say 28,000. Is there a perquisite here? This is example 1. फिर आएगा example 2. परक्विजिट आएगा क्या? सो 32,000 की चीज उसको 28,000 में मिल रही है यार, तो बेनिफिट है या नहीं है? परक्विजिट इज नथिंग बट बेनिफिट। एनी पता है जो मैंने परक्विजिट्स नहीं भी पढ़ाए होंगे ना, वो भी ऐसे कोई बेनिफिट्स आ गए ना, वो भी टैक्सेबल हो जाएंगे। मुझे रहने के लिए कहीं मतलब फ्री हॉलीडे होम दे दिया, any perquisite you give me, any benefit I get from the employer, it is going to be taxable. So please understand here कि 32,000 की चीज़ मुझे 28,000 में मिल रही है, तो परक्विजिट इज 4,000। गाइज यू हैव डिराइव द फॉर्मूला ऑन योर ओन एंड हियर द फॉर्मूला फॉर परक्विजिट इज इक्वल टू WDV माइनस सेल प्राइस। क्या हो जाता है, एग्जाम में अगर आप मैकेनिकली लर्न करके जाओगे तो आपका कन्फ्यूजन होगा, और कन्फ्यूजन ये होगा कि मैम सेल माइनस WDV करना है या WDV माइनस सेल करना है। तो हमेशा याद रखना, मैकेनिकली लर्न नहीं करना, लॉजिकली जाना है। दैट परक्विजिट का मतलब होता है फायदा माने बेनिफिट। अच्छा अगर यहाँ पे मान के चलते कि एम्प्लॉयर जो है ही सेलिंग दिस एग्जाम्पल 2 में 35, अब वो तो बोलो कि परक्विजिट कितना आएगा बेटा? देयर विल बी नो परक्विजिट, नेगेटिव नहीं, हाँ नो परक्विजिट, उल्टा नुकसान हो गया। अरे यार मैंने 32,000 की चीज़ 35,000 में खरीद ली, क्यों खरीदी? वो एम्प्लॉय का प्रॉब्लम है। हाँ मैंने इसलिए खरीदी क्योंकि उसमें सॉफ्टवेयर अच्छे थे, वेल मेंटेन था, द कंप्यूटर का एम्प्लॉई सेज नो इट इज़ वेरी वेल मेंटेन्ड एंड द वे इट हैज़ बीन केप्ट, द सॉफ्टवेयर आर वेरी नाइस एंड अपडेटेड, सो आई जस्ट थॉट ऑफ बाइंग इट, हिज चॉइस। ओके तो ये हो गया परक्विजिट के बारे में। यहाँ ये इतना इजी नहीं है, एग्जाम में WDV रेडीमेड नहीं दिया जाएगा। एग्जाम में जो WDV आएगा ये क्या करना पड़ेगा बॉस, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये जो WDV है यू विल हैव टू कैलकुलेट, द WDV एंड टू कैलकुलेट द WDV रिमेंबर यू विल हैव टू कंसिडर SLM मेथड ओनली फॉर अदर्स फर्नीचर की कैटेगरी। आई टेल यू, यहाँ पे आपको डिवाइड करने असेट्स इनटू 3 कैटेगरीज। कितनी कैटेगरीज? 3 कैटेगरीज। यहाँ पे आएगा कंप्यूटर्स, फिर आएगा मोटर कार, और बचा हुआ सब कुछ जाएगा इन द कैटेगरी ऑफ अदर्स। बच्चा अभी कंफ्यूजन क्या करता है, यहाँ कंप्यूटर पे डेप्रिसिएशन का रेट 50 है, फिर बोलेगा नहीं नहीं मैम आप तो गलत पढ़ा रहे हो, कंप्यूटर पे तो डेप्रिसिएशन का रेट 40 है। बॉस दैट इज अंडर सेक्शन 32 एंड सेक्शन 32 कम्स अंडर PGBP। अब तुम सैलरी पढ़ रहे हो तो सैलरी बोलेगा हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। सी हर चैप्टर हर सेक्शन का प्रोविजंस अलग अलग होने वाले। तो यहाँ पे कितना आएगा, ये आएगा 50%, सो दिस इज गोइंग टू बी 50%। सो डेप्रिसिएशन ये 20% और ये आएगा 10%। अब क्या होगा, यहाँ लगेगा मेथड WDV। एक सेकेंड, आई थिंक अनाउंसमेंट हैज कम रिगार्डिंग ऑफिशियल अनाउंसमेंट ऑफ ICAI हैज कम। ऑफिशियल नहीं आया, हाँ बट अभी जस्ट ब्रेकिंग न्यूज, ICAI हैज़ गिवन द येस यू हैव अ प्रॉपर ICAI नोटिफिकेशन सेइंग दैट स्टूडेंट्स में नोट फॉर November 23 CA Intermediate and Final exams would be held under the existing scheme of education and training. So existing scheme will apply for intermediate and final. So I don't know what are they planning to do for foundation, but the announcement is definitely there कि November 23 exam वैसे भी foundation के exams December में होती है, so we can again still wait there. But at least for inter and final, the official announcement is here that we are going to continue with the old syllabus. I just got a notification, so I just thought of sharing it with you guys. One second now. Yes. तो ये हो रहा है, अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि WDV कैसे कैलकुलेट करते हैं. One second, I'll just share this about the new. Okay, so let's go ahead now. Yeah, so यहाँ पे भी होगा WDV और ये होगा SLM. तो ये आपको सब याद रखना है. अब आपको समझना है कि ये सब कैलकुलेट होता है कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स. तो दिस विल बी कैलकुलेटेड फॉर कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स. ICAI को पता है इसमें रिलेटेड एक बहुत ही अच्छा एडजस्टमेंट पूछना बहुत पसंद है उनको. अगर आपने ICAI का क्वेश्चंस ऑब्जर्व किया रहेगा, सो दे विल से गिव एन एग्जांपल. लेट्स से कि कार है, कार वाज गिवन टू एम्प्लॉई फॉर यूज on 1st April 2021, then on 10th I can say then on 1st October 22 it was sold to employee for 3,15,000. What can you think about it? क्या क्या सोच सकते हो आप इसके बारे में कि यहाँ क्या हो रहा है? So I want the answer. What's happening over here? मैंने कोई डेट गलत नहीं लिखी है. पहले जो 1/4/21 से लेके 31 सितंबर तक तो 5% रहेगा उसका. हाँ, अभी हम ईयर कौन सा कर रहे हैं? हमारे लिए जो ईयर आ रहा है वो क्या है? PY 22-23. PY 22-23 विल स्टार्ट फ्रॉम 1st April 22 एंड इट विल गो ऑन अप टू 31st March 23. नाउ देयर इज अ टाइमलाइन. जैसे यहाँ पे देखो 1 अप्रैल से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ बात, आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1st April 22. सो यहाँ से लेके 31st March तक आपका जो ईयर है. लेकिन बीच में क्या हुआ? बीच में आया 1st October 22. तो अप्रैल से लेके सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 मंथ्स के लिए यू वर यूजिंग इट. मैम लेकिन आपने डेट गलत लिखा, यहाँ पे तो डेट 21 है. ये लास्ट ईयर से यूज़ कर रहे हो बेटा. लास्ट ईयर यूज़ कर रहे हो तो लास्ट ईयर ऑलरेडी यूज़ वाला परक्विजिट कैलकुलेट हो चुका है. हो चुका है. हमें लास्ट ईयर का वर्किंग नहीं करना, भूलना नहीं है आपको. वर्किंग करना है PY 22-23 का. सो यू हैव टू डू द वर्किंग फॉर PY 22-23. सो 6 मंथ्स यू आर यूजिंग इट एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे हुआ सेल. तो आपको जो परक्विजिट कैलकुलेट करना है 6 महीने के लिए, ऑफकोर्स डेटा मुझे देना है आपको. ओरिजिनल कॉस्ट क्या है, WDV क्या है, वो अभी देती हूँ. बट पहले आप ये एग्जाम्पल और ये उसका टाइमलाइन नोट कीजिए. तो यहाँ यूजिंग वाला भी परक्विजिट आ रहा है. आई नो क्वेश्चन में जो डेट दिया है, मुझे पता है क्वेश्चन में जो यूज़ वाला डेट है वो वाला डेट 1 अप्रैल 21 है. क्वेश्चन में जो डेट है वो 1 अप्रैल 21 है. मुझे पता है यार 1 अप्रैल 21 मीन्स दिस इज़ PY 21-22 में ऑलरेडी वो यूज़ होगा. तो उसका बॉस परक्विजिट कैलकुलेशन हो चुका है. आई एम नॉट कंसर्न विद दैट. आई एम कंसर्न विद PY 22-23 एंड दैट इज़ वाई ये मैंने टाइमलाइन जो है PY 22-23 का बनाया है. तो और भी डेटा देती हूँ तो हम सॉल्व करके लेंगे. ये सारे थोड़े इंपॉर्टेंट वाले परक्विजिट्स है, इसलिए मैं थोड़ा स्ट्रेस कर रही हूँ क्योंकि अलावेंसेज और परक्विजिट ये छोटी छोटी बातों को एडजस्टमेंट ऐड कर करके बड़ा प्रॉब्लम बनता है। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ों पे फोकस करोगे ना तो आपके ऑटोमेटिकली जो क्वेश्चंस है सही हो जाएंगे। I'll give you other data then, so we can have a practice of calculation. Yes, so let's say the original cost of the car was 15,42,000 नहीं ज़्यादा नहीं लेंगे इतना was 8,92,000 and it was purchased. कार पे वैसे rate of depreciation क्या है? परक्विजिट आना चाहिए, ऐसा कैलकुलेट करूँ क्या? अभी मैं ऑन द स्पॉट क्वेश्चन दे रही हूँ आपको। %20 ना, 400 3 3 3, हाँ। एंड आई सेल दे दिया मैंने, तो ठीक है, विल डू ऑन द स्पॉट जो। अच्छा, ईयर परचेज ऑन देती हूँ, फिर परचेज ऑन बताना पड़ेगा ना। तुम WDV कैसे निकालोगे उसका? फिर ईयर्स चाहिए, नहीं यूज दिया है। परचेज ऑन $90। WDV को नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स के लिए लेते हैं, ठीक है। तो आप परक्विजिट कैलकुलेट करते हैं। लेट्स कैलकुलेट द परक्विजिट। सो परक्विजिट पहले तो यूज़ के लिए हो रहा है 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 सितंबर 2022 तक 6 मंथ्स के लिए आपने किया यूज़। यूज़ वाला परक्विजिट हमेशा ओरिजिनल प्राइस पे कैलकुलेट होता है। यस, तो ओरिजिनल प्राइज इज 8,92,000 इंटू 10% इंटू 6 मंथ्स। $44,600, ओके। अब आगे आएगा मयंक 18 मंथ्स कैसे होगा? वी आर सॉल्विंग फॉर विच ईयर बेटा मयंक? यही तो एक्सीडेंट स्पॉट है। आई एम सॉल्विंग फॉर PY 22-23। मैंने यहाँ पे लिख के बताया 1 अप्रैल 2021 का जो यूज़ हुआ ना बेटा, वो PY 21-22 हुआ, तो उसका नहीं करना है अपने को। वर्किंग सिर्फ ये टाइमलाइन से करने का। अपना ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 तक। तो 44,600 आ रहा है आपको। अब लेट्स कैलकुलेट WDV। WDV कैसे कैलकुलेट करेंगे? हाउ मेनी ईयर्स? सो लेट अस सी फॉर WDV कैलकुलेशन। परचेज डेट क्या है? 10 अप्रैल 2019। एंड आपने एम्प्लॉय को सेल कब किया? 1 अक्टूबर 2022। सो यू हैव टू काउंट कंप्लीटेड नंबर ऑफ ईयर्स, ओके। तो मैं बोलती हूँ 10 अप्रैल 2019 से लेके 9 अप्रैल 2020 तक होगा 1 ईयर। फिर 10 अप्रैल 2020 से लेके 9 अप्रैल 2021 तक होगा 2nd ईयर। 10 अप्रैल बेटा, दिस इज काउंटिंग ऑफ ईयर्स। मैं इनकम टैक्स नहीं पढ़ा रही हूँ आपको, ईयर काउंटिंग सिखा रही हूँ। ओ माय गॉड, 21 से लेके, क्या ये कंप्लीट हो रहा है? 22 आया क्या? 9 अप्रैल 22 आया, सो 3rd ईयर। 10 अप्रैल लिखते हैं सिर्फ। 10 अप्रैल 22 से लेके, एक्चुअली मेरा ईयर कंप्लीट होगा अगर 23, बट ये हुआ ही नहीं ना। मैंने मिडिल ऑफ द ईयर सेल किया, तो यहाँ पे सम मंथ्स है, यहाँ पे कुछ ही महीनों के लिए सम मंथ्स, बट मंथ्स अपन नहीं कंसिडर करते. यू हैव टू कंसिडर कंप्लीटेड नंबर ऑफ इयर्स. सो व्हाट डू यू हैव टू कंसिडर? कंप्लीटेड नंबर ऑफ इयर्स. सो दिस कार यू विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर 3 इयर्स. ये है एक्सीडेंट स्पॉट जहाँ बच्चे गलतियाँ करते हैं. इस टाइप का एडजस्टमेंट जो मैंने आपको दिया, दिस इज़ वेयर ICAI इस टाइप के एडजस्टमेंट्स फ्रीक्वेंटली पूछती है, उन्हें पसंद है ये. तो प्लीज़ आप देखिए, आपको जिस तरीके से पसंद है आप काउंटिंग कीजिए ना. अप्रैल 19 से लेके अप्रैल 20, अप्रैल 20 से लेके अप्रैल 21, अप्रैल 21 से लेके अप्रैल 22. बॉस अप्रैल 22 के आगे अप्रैल 23 आएगा ही नहीं, क्योंकि आपने बीच में अक्टूबर 22 को अपना असेट बेच डाला. करेक्ट. अब WD भी निकालो यार. अब मुझे सिखाने मत बताना कि मैम रेट क्या है और 20% और मेथड कौन सा है. यार अब तुम CA स्टूडेंट्स है, तुमको पता है WDV कैसे निकालते हैं. चलो जल्दी से बता दो WDV कैसे निकालते हैं. WDV पता? WDV 45,670 आ रहा है नितिन. क्या डेप्रिसिए क्या बोल रहा है? 8 लाख की गाड़ी है ना, 8,92,000 है. बोलते क्या आज की तारीख में? अच्छा 4 लाख. अलग अलग आंसर्स आ रहे हैं क्या? 456 आ रहा है, 704 ये कॉमन आंसर आया. एंड यू सोल्ड इट फॉर 3,15,000. तो डिड एम्प्लॉय गेट अ बेनिफिट? या 4.5 लाख की गाड़ी अप्रॉक्स उसको 3,15,000 में मिल गई ना बेटा. ये गाड़ी की वैल्यू है, आपको समझना कैसे ये वैल्यू है. बॉस 4.5 लाख की गाड़ी आपको 3,15,000 में मिल गई, तो बेनिफिट तो है ही. सो व्हाट इज द परक्विजिट? $141,704. शिवानी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या? चेक कर. चलो डाउट्स क्या है तो पूछ लो. ये आते ही ये देखो PF वाला आता है, HRA आता है, अलाउंसेस वाले आती है चीज़ें, ये वाला आता है, सेल आएगा, गिफ्ट आएगा, यूज़ आएगा, है कि नहीं. अभी इसके आगे तो बहुत सिंपल है, ट्रैवलिंग करना, ये वो करना, वो तो बहुत इजी वाले, ये वाले जो मेन होते हैं. और फिर एक होता है अकोमोडेशन. आई होप यू आर राइटिंग दिस ऑल डाउन, राइटिंग इट डाउन वेरी वेरी केयरफुली. आगे जाएंगे. यस यू कैन आस्क मी योर डाउट्स हियर ऑन द लाइव स्ट्रीमिंग. स्टूडेंट्स प्लीज आस्क योर क्वेरीज. मैम ओसी क्या है? व्हाट ओसी यू आस्किंग? ओरिजिनल कॉस्ट. ओ ओरिजिनल कॉस्ट. बाप रे. ओसी इज 8,92,000. मुझे लगा मैं कुछ भारी है. यस सुयश, न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम 13 फेब. ये न्यू बैच नहीं है, ये रिवीजन चल रहा है. अब WDV कैलकुलेट करना सिखाओ. ओरिजिनल कॉस्ट इज 8,92,000. यस ऑन द स्पॉट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आपके लिए फ्रेम किया. अच्छा है, कुछ चीज़ें मैं तुमसे भी सीख लूँगी. OC, OP, OP इज ओवर पावर्ड ना, गेमिंग में यूज़ करता है ना. Ma'am, what about depreciation after 10th April? No, there's a rule, who's asking this? Venkat, there's a rule which says you must calculate depreciation only for completed number of years. Fractions are to be ignored. Fractions are to be ignored. नहीं मान सकते आदित्य, you can't consider this. You have to calculate depreciation only for completed number of years. No MCM. We are able to calculate. What is no MCM? My God, don't do this यार, ये क्या चल क्या रहा है आज? Completed number of years. Yeah, so that's the rule that you have to calculate depreciation only for completed number of years. ठीक है? हाँ ना, चलो आगे बढ़ेंगे क्या? जी जी, गुड गेम, अच्छा हाँ एक दिन। अभी देखिए बोल रही है डीसी, व्हाट इज डीसी नाउ? व्हाट इज डीसी? चलो तुम्हारा मुझे पढ़ा के अगर हो गया रहेगा तो अब मैं पढ़ा लेती हूँ थोड़ी देर। मैम फ्रैक्शंस अलाउड है क्या? नहीं अलाउड है नितिन, नहीं 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 अलाउड है। चलो आगे जाएंगे, अब आगे के परक्विजिट्स करते हैं। आई विल कम टू रामबाण, तो वहाँ से करते हैं क्योंकि आगे के परक्विजिट्स बहुत सिंपल वाले हैं, कुछ फटाफट हो जाएंगे। तो पहले पीएफ वाला मैंने ले लिया, तो यहाँ पे देखेंगे अगर आप फोकस करेंगे। इंटरेस्ट क्रेडिटेड टू आरपीएफ ये हमारा हो गया अप टू 9.5%। एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्री टू RPF is exempt up to 12% of salary. Oh, DCs don't care. अच्छा ठीक है। Salary is same like HRA, ठीक है। तो salary का meaning क्या है? Same like HRA. उसके बाद अच्छा loan वाला है, हाँ। अब use वाला हो गया, मैंने use वाला बता दिया, sale वाला बता दिया, gift वाला बता दिया। अब क्या आपको loan चाहिए employer से? And if you are taking loan from the employer, compare employer's lending rate and SBI lending rate to find out if there is a benefit. So write down the next perquisite, employer lending rate and SBI lending rate, and you have to compare the benefit. अगर benefit हुआ तो perquisite आएगा, benefit नहीं है तो perquisite नहीं आएगा, correct? So is that very clear? I just shift a little this side so I'm not in between your screen. Yeah. So now let us understand कि लिख के लेते हैं वहाँ पे अगला perquisite loans. अभी loans में क्या है? Compare employer and SBI lending rate. Okay. तो अगर मैंने 10 लाख का loan लिया at 6.5% and SBI lending rate, SBI क्यों? जनरली हम SBI लेते हैं, हर बैंक का इंटरेस्ट रेट अलग होता है, फिर हम कैसे परक्विजिट कैलकुलेट करेंगे? तो इसीलिए बेस्ट है कि हम SBI का लेंडिंग रेट लेते हैं। SBI लेंडिंग रेट मान लो है 12%। तो बॉस, आर यू गेटिंग अ बेनिफिट? क्या आपको फ़ायदा हो रहा है? हाँ, आपको बाहर अगर आप लोन लेते तो 12% से मिलता, एम्प्लॉयर आपको लोन दे रहा है 6.5% से, ऐसे मैं अज्यूम कर रही हूँ। क्वेश्चन में जो भी दिया जाएगा आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ बेनिफिट कितना हुआ आपका? 12 - 6.5 मीन्स 5.5%। सो हियर परक्विजिट इज नथिंग बट द इंटरेस्ट दैट यू सेव, इंटरेस्ट दैट यू सेव। So what is the interest you saved on 10 lakhs? The interest I saved is 5.5%. मान लो अगर तो लोन पूरे साल के लिए था तो पूरे साल का इंटरेस्ट आएगा, लोन पूरे साल के लिए नहीं था तो पूरे साल का इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो 10 lakhs पे 5.5% इज हाउ मच? 55,000। अच्छा, लोन्स में आपको क्या याद रखना है यहाँ पे? लोन्स अप टू 20,000 एग्जम्प्ट, लोन का अमाउंट, हाँ लोन अमाउंट्स, लोन्स अप टू 20,000 इज एग्जम्प्ट। लोन की अमाउंट 20,000 तक होगी तो परक्विजिट विल बी एग्जम्प्ट। तो आप कोई भी उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट नहीं करोगे, बिल्कुल ये एग्जम्प्ट माना जाएगा। एंड इफ़ लोन्स आर गिवन फॉर मेडिकल पर्पस देन इट इज़ एग्जम्प्ट। अच्छा मुझे एक चीज़ बताना, कंप्यूटर यूज़ करने के लिए दिया तो एग्जम्प्ट, लेकिन कंप्यूटर बेचा तो टैक्स आएगा, ठीक है। तो लोन वाला पार्ट भी हो गया हमारे, पहले 2 फिर 3, 5 और ये 1, 6 परक्विजिट्स हो गए। अब आगे के 3-4 मैं बहुत फास्ट करूँगी क्योंकि वो सिंपल वाले हैं आगे के 3-4, तो मैं फटाफट यहाँ से कराती हूँ आपको। लोन आई थिंक इज़ द 6th परक्विजिट। उसके बाद है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। पता है फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन इज़ वेरी वास्ट। एम्प्लॉयर आपके लिए कोई पेमेंट कर रहा है बेटा, विच रिजल्ट्स इन फुलफिलमेंट ऑफ योर ऑब्लिगेशन। तो जैसे अगर एम्प्लॉयर आपके घर का लाइट बिल पे करता है, आपने आपके बेटे को स्कूल में भेजा है तो उसका फीस अगर एम्प्लॉयर दे रहा है, आपने सर्वेंट अपॉइंट किया हो और एम्प्लॉयर आपको उसकी सैलरी दे रहा है, तो ये सब क्या होता है, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। बट थोड़ा सा बच्चों को लगता है कभी कभी मैम कन्फ्यूजन है क्या, जैसे कि मान के चलो कि यार सर्वेंट एम्प्लॉयर ने अपॉइंट किया तो ये फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन नहीं होता, वो बनता है सर्वेंट फैसिलिटी एंड ये आता है 2nd कैटेगरी में। ऐसा स्लाइट डिफरेंस होता है। देखो एम्प्लॉयर ने सर्वेंट दिया तो मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है, बॉस मुझे नहीं चाहिए था सर्वेंट, तुमने दिया है, मुझे लेट हो रहा है ऑफिस आने के लिए रोज, क्यों, मैं घर के काम में बिजी हूँ, घर का काम फिनिश करके फिर आ रही हूँ, फिर मुझे लेट हो रहा है। एम्प्लॉयर ने बोला बस हो गया, आई विल गिव यू अ सर्वेंट, तो तुम दे रहे क्या सर्वेंट, तुम इस सैलरी पे करो, मेरा ऑब्लिगेशन नहीं है। अगर मैंने सर्वेंट अपॉइंट किया है और फिर एम्प्लॉयर उसकी सैलरी दे रहा है, देन दैट इज फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन। लेकिन अगर एम्प्लॉयर सर्वेंट अपॉइंट करता है तो सर्वेंट फैसिलिटी ऐसा 2nd कैटेगरी का परक्विजिट है। माने ये ऐसे कुछ परक्विजिट्स है विच इज टैक्सेबल ओनली इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, करेक्ट है। सो फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन में बहुत सी चीज़ें आ सकती है, आपका लाइट बिल पे करना, मेडिकल बिल्स पे करना, ये सब फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन में आ सकता है। सिर्फ एक ही भले ही फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन हो फिर भी वो एग्जम्प्ट माना जाता है, एंड दैट इज़ पेमेंट ऑफ योर टेलीफोन बिल्स। आपका टेलीफोन बिल्स का पेमेंट करना, सी यहाँ पे मैं बताती हूँ, फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन इज़ अ टैक्सेबल परक्विजिट। इसमें बहुत सी चीज़ें आएंगी, आपका मेडिकल बिल्स पे करना, आपके लिए मेडिकल बिल पे करना, आपके लिए सर्वेंट की फैसिलिटी नहीं सर्वेंट का सैलरी देना, बच्चों की स्कूल फीस पे करना, ये सब फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन होता है। आपका टैक्स पे करना, ये भी फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन होता है। बट नाउ व्हाट विल हैपन, लिसन, हाउएवर यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हाउएवर रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स, ये आपका टेलीफोन का बिल पे करने की ऑब्लिगेशन आपकी है, लेकिन फिर भी रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल्स, टेलीफोन बिल इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट। ये क्या होता है, इट इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट। तो ये क्या है, ये एक एग्जम्प्ट परक्विजिट है, इट इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट या। लेकिन मैम टेलीफोन अलावेंस, ओ माय गॉड, टेलीफोन अलावेंस के आगे अलावेंस शब्द है तो ये एक अलावेंस हो गया। पहले तो कोई भी आपको जो एडजस्टमेंट सैलरी के चैप्टर में आती है, आइडेंटिफाई वेदर इट्स अ अलावेंस और आइडेंटिफाई वेदर इट इज़ अ परक्विजिट। अगर वो अलावेंस है तो बॉस अलावेंस की स्टेशन पे गाड़ी उतरनी चाहिए, अगर वो परक्विजिट है तो आप परक्विजिट के स्टेशन पे गाड़ी उतारिए आपकी और परक्विजिट के हिसाब से सोचिए, ठीक है। तो टेलीफोन अलावेंस विल बी फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन अगर आप टेलीफोन का बिल मेरा पे कर रहे हो तो बेटा ये एक फैसिलिटी है, एक बेनिफिट है, इसको परक्विजिट बोला जाता है। और अलावेंस शब्द आया तो आपको हर महीने 600 रुपया टेलीफोन अलावेंस आ रहा है, तो टेलीफोन अलावेंस इज फुल्ली टैक्सेबल बट रीइंबर्समेंट ऑफ टेलीफोन बिल इज अ एग्जम्प्ट परक्विजिट। आई थिंक यहाँ मैंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई कर दिया आपको, कोई डाउट है क्या। इसके बाद 8th में आपको बता देती हूँ, 8 पॉइंट, 8 पॉइंट में मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। उसमें क्या आएगा, उसमें आएगा ट्रैवलिंग, क्लब फैसिलिटी एंड क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। So traveling, club facility and credit card facility. अगर any of these facilities, you know, any of these facilities, boss, if I get for office work, तो यार होना ही चाहिए। अगर मैं ऑफिस काम के लिए गई, आपकी क्लब फैसिलिटी यूज़ कर ली, मैं ऑफिस के लिए गई, आपने ट्रैवलिंग का, मैंने ऑफिस के लिए किया, आपने मेरा ट्रैवलिंग का बिल पे किया, मेरे लिए होटल बुक किया, मैंने ऑफिस के लिए एयर टिकट्स बुक करी तो आपने मुझे क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे दिया, तो बॉस ऑफिस वर्क के लिए अगर मुझे मिला तो इट्स नो बेनिफिट नो परक्विजिट। सो इट इज़ नो बेनिफिट नो परक्विजिट। But if I do it for personal work, private purpose, then it will be a perquisite. तो जितना फ़ायदा मिला उतना मेरा perquisite होगा. अगर आपने मेरा personal 50,000 का बिल पे किया क्रेडिट कार्ड का, मेरा पर्सनल है तो आपने पे किया, तो बॉस 50,000 विल बी अ टैक्सेबल perquisite. करेक्ट. तो ये सिंपल है. ट्रैवलिंग, क्लब फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड. अभी क्लब फैसिलिटी में सिर्फ ये है कि हेल्थ क्लब फैसिलिटी अगर आपको मिलती है देन इट इज़ एग्जम्प्ट. ये एक ही चीज़ जो आपको याद रखनी है कि आपको क्लब फैसिलिटी में अगर हेल्थ की फैसिलिटी, हेल्थ क्लब फैसिलिटी मिलती है, सो अगर आपको हेल्थ क्लब फैसिलिटी या जिम फैसिलिटी जो है यूनिफॉर्मली सारे एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर के प्रीमाइसिस में अगर प्रोवाइड किया जाता है तो बॉस इट इज़ अ एग्जम्प्ट परक्विजिट. इट इज़ अ एग्जम्प्ट परक्विजिट. थैंक यू सुयश. चलो पर्सनल माने ये होगा आपका, क्या होगा ये आपका परक्विजिट हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ मैंने कवर कर लिया 8, ये हो गया 9 और क्रेडिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी हो गया 10. ट्रैवलिंग, क्लब फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी. एकेडमिक अलाउंस, निखिल अलाउंस की स्टेशन पे गाड़ी उतरेगी और अलाउंसेस के रूल्स फॉलो करोगे. अब मैं 11 करती हूँ. सुपर एन्युएशन फंड. सुपर एन्युएशन फंड कितना एग्जम्प्ट होता है? सुपर एन्युएशन फंड इज एग्जम्प्ट अप टू 1,50,000 पर एनम. तो इसको कितना एग्जम्पशन मिलेगा? 1,50,000 पर एनम. 1,50,000 पर एनम का एग्जम्पशन मिलेगा सुपर एन्युएशन फंड के लिए. करेक्ट है. फिर लंच फैसिलिटी, ये भी आईसीएआई को पसंद है. लंच फैसिलिटी, बच्चा कंफ्यूज होता है मैम लंच अलाउंस तो आपने पढ़ा दिया, वो अलाउंस की कैटेगरी था. सी देखो कुछ कुछ कंपनी आपको क्या कर सकते हैं, दे कैन गिव यू मंथली 10,000. वो बोलेगे तुम्हारा खाने पीने का तुम देख लो, हमारे यहाँ 7 बजे आना पड़ेगा, मॉर्निंग शिफ्ट है, तो टिफ़िन घर से नहीं ले आओगे या जो भी होगा तुम मैनेज करना, बट हम तुमको मंथली 10,000 लंच अलाउंस देंगे. तो देखो एक फिक्स्ड अमाउंट आपको मिल रहा है और मंथली पैसे कैश में आ रहा है. बेटा ये एक अलाउंस है और ये अलाउंस किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, ये एचआरए नहीं है, एंटरटेनमेंट नहीं है, तो ये बन जाता है फुल्ली टैक्सेबल. लेकिन अगर ये एक अलाउंस हो गया लेकिन इसके बदले मुझे इन्होंने कैंटीन ही प्रोवाइड कर दिया और कैंटीन में मुझे खाना कम प्राइस पर मिल रहा है, सो आई एम गेटिंग लंच एट अ लेसर प्राइस, then this is a what for me, then boss this is a perquisite for me, it is a facility. और ये वाली जो facility है it is exempt up to 50 rupees per meal. अब बच्चा क्या करके जाता है, फिर ICAI को आप बदनाम करते हो, मेरे सब्जेक्ट को बदनाम करते हो. आप बोलते हो मैम लंच 50 रुपीज़ पर मील एग्जाम्ट है. यार लंच अलाउंस है या परक्विजिट है, ज़रा ध्यान से पढ़ो फिर डिसाइड करो. सो इट इज़ एग्जाम्ट अप टू ₹50 पर मील. हाँ वो 7.5 लाख का जो है वो मैं थोड़ी देर से बताऊंगी आपको. 7.5 लाख का जो है मैं थोड़ी देर से बताऊंगी आपको. नहीं 7.5 लाख का एम्प्लॉयर के 3 इसका है ना, आरपीएफ में, सुपर एन्युएशन में 7.5 लाख का. नहीं वो तो नेक्स्ट कैटेगरी है अपनी परक्विजिट्स की, वो तो एक पूरी कैटेगरी बची है अपनी. हाँ या सो लंच फैसिलिटी हो गया. अच्छा लंच में स्टार परफॉर्मर क्या है यहाँ का? टी स्नैक्स, टी कॉफ़ी एंड स्नैक्स आर एग्जम्प्ट परक्विजिट. क्या है ये? एग्जम्प्ट परक्विजिट है. टी कॉफ़ी स्नैक्स आर एग्जम्प्ट परक्विजिट्स या नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये एग्जम्प्ट होते हैं ऑफ कोर्स. फिर ये लंच फैसिलिटी, थोड़े थोड़े माइनर पॉइंट्स है, अगर आप आपके नोट्स में देखोगे आपको ध्यान में आ जाएगा. अगर ये लंच फैसिलिटी ऑफशोर, मतलब कहीं समुंदर के किनारे आप कहीं कुछ काम कर रहे हो, तो बेटा वहाँ पे ये टैक्सेबल नहीं होगा. आपका एम्प्लॉयर वहाँ पे आपको खाना प्रोवाइड कर रहा है तो करना भी चाहिए, है कि नहीं? आगे देखेंगे. लंच हो गया, सुपर एन्युएशन हो गया. अब क्या है? आई थिंक 14 ही है ना, 2 ही बचे. एक वो 7.5 लाख वाला आएगा क्या, और एक ये आएगा रेंट फ्री अकोमोडेशन, ये दो ही बचे ना। हाँ ईसॉप्स, ईसॉप्स और रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो ये मैं कंप्लीट करती हूँ, मतलब ये कैटेगरी कंप्लीट करती हूँ। 7.5 लाख का पेंडिंग रखती हूँ, तो कल मैं लेक्चर ले ही लूँगी। कल क्या है वैसे? थर्सडे। सो टुमारो आई विल टेक द लेक्चर, देन मे बी फॉर 2-3 days आई मे टेक एन ऑफ, बट वहाँ पे सैलरी के बाद आई विल गिव यू डिडक्शंस का एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर, और उसके बाद मैं अभी फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ ही स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा शेड्यूल हम आपको बताएंगे, क्योंकि मंडे से मेरा रेगुलर बैच स्टार्ट होगा, प्लस आई विल हैव अ BCR लेक्चर गोइंग ऑन। तो टाइमिंग थोड़ा सा हाँ डिफ़िकल्ट होगा, तो या तो इवनिंग में या दोपहर को या ऐसा कुछ करके करना पड़ेगा अपने को, ठीक है ना। बट मैं अपडेट दूंगी, तब तक आपको मैं क्या सैलरी का भी KYC क्वेश्चन दे दूंगी, आप वो भी सॉल्व कर देना। चलो, ईसॉप्स में क्या होता है? यू गेट शेयर्स ऑफ द कंपनी एट लेसर प्राइस, तो यू मस्ट अगेन ईसॉप्स में भी कंपेयर करना है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आपको ना हर बार है ना, आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, मतलब शेयर्स की मार्केट वैल्यू कंपेयर करो और आपको क्या प्राइस पे दे रहा है। ठीक, आपका एम्प्लॉयर बोलता है यार तूने कंपनी के लिए बहुत खून पसीना किया है, तो हम तुझे शेयर्स दे देंगे, कम प्राइस पे शेयर्स देंगे। सो ही इज़ गिविंग यू द शेयर्स ऑफ द कंपनी एट अ लेसर प्राइस। सो यू हैव टू कंपेयर द FMV ऑफ द शेयर्स। सो व्हाट डू यू हैव टू कंपेयर? यू हैव टू कंपेयर द FMV ऑफ द शेयर्स विथ द कॉस्ट। तो अगर आपको ये शेयर्स की FMV 300 रुपये है, बट आपको इसकी कॉस्ट सिर्फ एम्प्लॉयर ने बोला तो 110 ही देना, तो यार तुझे पर शेयर कितना फ़ायदा हुआ? यू गॉट अ बेनिफिट ऑफ 190 रुपीज़ पर शेयर। ये आपका बेनिफिट हुआ और ये आपका परक्विजिट हुआ। अगर कंपनी बोलते बॉस यू हैव टू पे अस ओनली 110 इज़ द कॉस्ट, तो 110 ही देना। देखो, अगर तुम मार्केट में ये शेयर्स खरीदने जाते तो तुमको 300 में पड़ते। ऑफकोर्स यहाँ पे एक हिंट और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो ईसॉप्स होता है, ये जो FMV होता है, यू कंसिडर दिस एज ऑन द डेट ऑफ अलॉटमेंट। क्या होता है ना, डेट ऑफ अलॉटमेंट लेता है? No, we consider date of exercising the option. Yeah, तो date of exercising the option. See, क्या होता है ना, ईसॉप्स का जो प्रोसेस होता है ये लंबा चौड़ा होता है। पहले आपको ऑफर देंगे, फिर आप सोचोगे, फिर आप उसको एक्सरसाइज करोगे, फिर आपको शेयर्स अलॉट किए जाएंगे। तो बॉस इसमें FMV कैन कीप ऑन फ्लक्चुएटिंग, सो यू मस्ट कंसिडर द FMV एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। सो वी विल कंसिडर इट FMV एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन, करेक्ट। तो इसीलिए ये ईसॉप्स है। ईसॉप्स में एक एक्सेप्शन है जो आपको ध्यान में रखना है। अगर स्टार्टअप्स होते हैं तो उनके लिए ईसॉप्स का परक्विजिट तुरंत उसी साल में टैक्स नहीं किया जाता। स्टार्टअप्स के लिए, यू मस्ट रीड दिस फ्रॉम द नोट्स, स्टार्टअप्स के लिए तुरंत ईसॉप्स का परक्विजिट इमीडिएटली टैक्स नहीं किया जाता। देखो ईसॉप्स में ना, एक्चुअली मैं बता दूँ, एक तो मुझे 110 रुपये पर शेयर देना है, उसके बाद तुरंत तुम बोलते चलो टैक्स के पैसे भी दे दो। यार है ही नहीं टैक्स के पैसे, कहाँ से दूँ? परक्विजिट बेनिफिट हो गया ना 190। कभी कभी तो स्टार्टअप में 1-2 लाख के शेयर्स मिलते हैं, तो मुझे इतने शेयर्स मिल गए, इतना फ़ायदा हो गया, मैं कहाँ से पैसे दूँगा? तो सिर्फ स्टार्टअप्स को बेनिफिट देने के लिए, सबके लिए नहीं है। हम बोलते हैं ईसॉप्स का जो परक्विजिट है स्टार्टअप्स के लिए, उसकी टैक्सेबिलिटी पोस्टपोन कर देंगे। स्टार्टअप्स में हम क्या करेंगे? ईसॉप्स की जो बेनिफिट है उसकी टैक्सेबिलिटी पोस्टपोन कर देंगे। तो ईसॉप्स आई थिंक आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा है क्या? लॉ में भी है, तो अकाउंट्स में भी पढ़ा है आपने, परफेक्ट। तो यहाँ पे आपको ये समझना है, कंपेयर FMV विद द कॉस्ट एंड देन यू कैन गेट द बेनिफिट, एंड यू हैव टू कंसिडर द FMV एज ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन। अब आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। दो परक्विजिट्स रहेंगे, वो मैं पेंडिंग रखूँगी, वो 7.5 लाख और उसका इंटरेस्ट का पार्ट, और फिर आएंगे अगला परक्विजिट। आई थिंक कल के लेक्चर में मेजर पार्ट ऑफ सैलरी में ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ आता है रेंट फ्री अकोमोडेशन। तो हम बात कर रहे हैं किसकी बेटा? अभी रेंट फ्री अकोमोडेशन की। रेंट फ्री अकोमोडेशन में हम दो पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे। आपको मिल रहा है, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या आप कौन हो? आप नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। मैम 4 इयर्स, हाँ एब्सोल्युटली 4 इयर्स, करेक्ट, दिव्या सही बोल रही है। मैम स्टार्टअप्स के लिए ये कब पोस्टपोन किया जाता है? इसकी टैक्सेबिलिटी क्या की गई है? पोस्टपोन की गई है। कब पोस्टपोन की गई है? 4 इयर्स, मतलब 48 मंथ्स बोला गया है, या जिस साल में आप ईसॉप्स बेचते हो या जिस साल में आप कंपनी छोड़ देते हो। So तीनों में से whatever happens earlier, you will have to do the taxability of the ESOP. So 48 months मतलब 4 years, 48 months मतलब 4 years. In the year in which you sell the ESOP और in the year in which you leave the company, इसमें से जो भी पहले होगा बॉस आपको ESOPs का टैक्स देना पड़ेगा. Yes. अब क्या होगा गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट. अब देखते हैं गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट. हाँ, सैलरी में एक दो ही अमेंडमेंट्स आए, वो कल के लेक्चर में कवर हो जाएंगे शिवानी, सो जस्ट होल्ड ऑन. गवर्नमेंट एम्प्लॉई एंड नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉई. गवर्नमेंट एम्प्लॉई के लिए व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ परक्विजिट. परक्विजिट इज इक्वल टू लाइसेंस फी. क्या होगा परक्विजिट लाइसेंस फी. एंड नॉन गवर्नमेंट के लिए इट फर्दर डिपेंड्स अपॉन वेदर the accommodation is owned or accommodation is not owned. Accommodation owned है या accommodation not owned है. Now accommodation owned है तो further it depends upon the population. पता है यहाँ पे कैसे होगा 15%, 10%, 7.5% of salary. कब? When the population is about 25 lakhs, 10 lakhs to 25 lakhs and below 10 lakhs. So this is how it will be. So it's 15% of what? Salary. यहाँ पे very very important. It is 15% of सैलरी. एंड इफ इट इज़ नॉट ओन्ड मतलब कंपनी ने घर रेंट पे लिया और आपको आगे दे दिया. कंपनी ने घर रेंट पे लिया और आपको आगे दे दिया. तो यहाँ जो परक्विजिट आता है विच इज़ 15% ऑफ सैलरी और रेंट या हायर चार्जेस विच एवर इज लोअर. तो ये होगा परक्विजिट. कभी कभी आपको घर के साथ मिलेगा फर्नीचर भी. तो समटाइम्स विद द हाउस व्हाट विल यू गेट, यू विल ऑल्सो गेट अ फर्नीचर. तो प्लस फर्नीचर मिल गया तो आपको क्या होगा अकोमोडेशन का परक्विजिट आएगा प्लस फर्नीचर का परक्विजिट आएगा. फर्नीचर का परक्विजिट जनरली विल बी 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट. अभी तो पढ़ाया आप अगर एम्प्लॉयर का असेट यूज़ कर रहे हो तो 10% ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट. अगर लेकिन ये फर्नीचर रेंट पे लिया है तो हायर चार्जेस विल गेट एडेड इन द परक्विजिट. हायर चार्जेस. सो ये मैंने फर्नीचर ड्रॉ किया बाय द वे. हाँ, सो घर के साथ फर्नीचर भी मिला, फर्निश्ड अकोमोडेशन कभी एसी मिला, टीवी मिला तो उसका 10% ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट लेना या तो फिर आप क्या करना बेटा उसके हायर चार्जेस ऐड करना. करेक्ट. एक चीज़ याद रखना यहाँ से अकोमोडेशन में कभी भी परक्विजिट्स में से अमाउंट रिकवर्ड माइनस करना है. अगर एम्प्लॉय से कुछ अमाउंट रिकवर होता है तो क्या करना है आपको माइनस करना है. यस. एंड इफ यस होटल अकोमोडेशन इज प्रोवाइडेड, आपको अगर होटल अकोमोडेशन दिया जाता है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट इज इक्वल टू 24%. 24% ऑफ सैलरी और टैरिफ मतलब होटल के चार्जेस जो होते हैं टैरिफ विच एवर इज़ लोअर. सैलरी हियर इज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट. सैलरी यहाँ पे एचआरए जैसा नहीं है, इसकी सैलरी इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न करना. मैं आपको फिर से बता रही हूँ ये रिवीजन लेक्चर्स है, ये आपको सिर्फ पुश करने के लिए है. डिटेल में आपको पढ़ना है. एग्जाम लिखने मैं नहीं आने वाली हूँ, आपकी पढ़ाई मैं नहीं कर सकती, जो आपका काम है वो आप ही को करना है. सो यू हैव टू गो होम, रिवाइज द सैलरी चैप्टर थॉरली टुडे. दिस इज जस्ट टू गिव यू अ पुश एंड टू हेल्प यू. एक हाथ पकड़ा है हमने आपका कि चलो हम इस जर्नी में आपका हाथ पकड़ के आपको एग्जाम तक लेके जाते हैं, लेकिन चलना आपको है, पढ़ाई आपको करनी है, लर्निंग आपको करना है, क्वेश्चन सॉल्विंग आपको करना है. डोंट आस्क अस मैम ये भी करा दो वो भी करा दो. बिलीव मी जितना आप खुद से करोगे उसका फ़ायदा ज़्यादा होता है. मैं एक्सपीरियंस से आपको बोल रही हूँ, ऐसे नहीं बोल रही हूँ आपको. ठीक है. कैपिटल गेन्स में और एचपी में नो अमेंडमेंट्स. नो अमेंडमेंट्स इन कैपिटल गेन्स, नो अमेंडमेंट्स इन हाउस प्रॉपर्टी. हु आस्क्ड दिस? हर्षा. यस. सो कोई नहीं है. हाँ, तो यहाँ पे सैलरी क्या क्या होगी? सैलरी विल बी एवरीथिंग. आई विल ऐड एवरीथिंग ऑल माइनस परक्विजिट्स. एवरीथिंग एक्सेप्ट परक्विजिट्स. आई विल ऐड डीए ओनली इफ इट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी. एंड सैलरी विल बी कंसिडर ऑन ड्यू बेसिस. मतलब कुछ एरियर्स होगा तो ऐड नहीं करना. एंड कंसिडर सैलरी ओनली फॉर द पीरियड फॉर विच अकोमोडेशन इज़ प्रोवाइडेड. अगर आपको अकोमोडेशन 5 महीने के लिए दिया है तो बॉस बेनिफिट 5 महीने के लिए निकालना है तो सैलरी भी 5 महीने के लिए लेना. सो यू हैव टू ऑलवेज कंसिडर all perquisites DA has to be added only if it's a part of salary. कमीशन के लिए यहाँ कोई रूल नहीं है, आप आपके खुद से मन से कोई भी रूल्स मत बनाना. तो अब आपका काम क्या है, इन परक्विजिट से रिलेटेड मेरे नोट्स में, मॉड्यूल में छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, ये क्यों करने. ओहो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे क्या? नहीं, ये आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए है. आपको ये छोटे छोटे क्वेश्चंस इसलिए करने हैं क्योंकि जब ये बड़े क्वेश्चन में कंबाइंड होंगे तो यू डोंट गेट स्टक एनीवेयर. तो आपको इतने परक्विजिट, आई थिंक आज हमने काफ़ी अच्छे से कवर कर लिए सारे परक्विजिट. यहाँ पे 2 परक्विजिट बचे, ये 14 में से 15 एंड 16 परक्विजिट आर पेंडिंग. तो दिस आई विल बी डूइंग इट टुमारो. ये परक्विजिट पेंडिंग है, प्लस मुझे लगता है कि ये भी पेंडिंग है अपना क्या बात करते हैं अपन, परक्विजिट. यस, परक्विजिट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज़ एंड कुछ फिर एग्जाम परक्विजिट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हमारा ग्रेच्युटी, लीव, सैलरी होगा. बट मुझे और 2 लेक्चर्स तो डेफिनेटली लगेंगे सैलरी को ख़त्म करने के लिए, राइट? यस, सो आई थिंक आई विल स्टॉप द क्लास हियर एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज स्टिल हियर यू कैन आस्क मी. टुमारोज टाइमिंग आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप. यस, मैं कल का टाइमिंग ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी आपको. डन है आदित्य. ICAI's क्वेश्चन मटेरियल इज जस्ट नॉट इनफ, यू विल हैव टू डू पास्ट पेपर्स, RTPs करने पड़ेंगे थोड़े. डन, चलो. सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, आई विल सी यू टुमारो. बाय बाय, बाय बाय. उधर से स्ट्रीमिंग ऑफ कर दे, सिर्फ स्टॉप कर दे.